हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा एंशंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे सोसाइटी से। हम कर रहे थे मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, इकोनॉमी कर चुके हैं, आज हम सोसाइटी से शुरू करेंगे। तो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग उस टाइम पर जो वर्ना सिस्टम था वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था जितना के पहले स्मृति राइटर्स के टाइम पे था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो शूद्रा होते थे वो आर्यन कम्युनिटी के थे और उनको नॉन आर्यन और मलेच्छा कम्युनिटी से अलग रखा जाता था। वैश्य और शूद्रा के बीच का जो गैप था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था। जो ज़्यादातर वैश्य था वो ट्रेड की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ वैश्य कल्टिवेशन का काम भी करते थे बट कुछ वैश्य ट्रेड की तरफ भी जा रहे थे। जो शूद्रास होते थे वो एग्रीकल्चरिस्ट भी थे और कुछ शूद्रास आर्टिसंस भी थे। एग्रीकल्चर का काम भी करते थे कुछ शूद्रा और कुछ आर्टिसंस का काम भी करते थे। मेगास्थीन्स ने इंडियन सोसाइटी को उस टाइम पे 7 क्लासेस में डिवाइड करा था। कौन कौन सी क्लासेस थी? एक तो फिलोसफर्स की क्लास उन्होंने अलग कर दी, फार्मर्स की क्लास उन्होंने अलग से बना दी, सोल्जर्स की बना दी, हर्ट्समैन, आर्टिसंस, मैजिस्ट्रेट्स, काउंसलर्स, इन सबको अलग अलग क्लासेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। और ये वाली जो क्लासेस मेगास्थीन्स ने बनाई थी, ये वाली क्लासेस इकोनॉमिक क्लासेस थी, ना कि सोशल क्लासेस थी। इकोनॉमी के बेस्ड क्लासेस बनाई थी इन्होंने, सोसाइटी बेस्ड क्लासेस नहीं बनाई थी। तो मेगास्थीन्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पे इंडिया में स्लेवरी नहीं थी, बट कुछ इंडियन सोर्सेस से हमें पता चलता था कि मौर्यन पीरियड के टाइम पे भी स्लेव्स होते थे। स्लेव्स मीन्स गुलाम होते थे। बट मेगास्थीन्स क्या बोलते हैं? मेगास्थीन्स कहते थे कि जो थोड़ी बहुत स्लेवरी होती थी ना उस टाइम पे वो लीगल होती थी और वो वेस्ट साइड पे ज़्यादा होती थी स्लेवरी। इंडिया में स्लेवरी कम थी और जो भी थी वो लीगल थी स्लेवरी। तो वोमेन की अगर हम बात करें उस टाइम पे तो वोमेन की सोसाइटी में पोजीशन थी वो काफ़ी हाई पोजीशन थी वोमेन की और वोमेन को पूरी फ्रीडम दी जाती थी। कौटिल्य के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो वोमेन थी वो डाइवोर्स भी दे सकती थी और डाइवोर्स के बाद दोबारा शादी भी कर सकती थी, उनको पूरी परमिशन थी वोमेन को। और इसके अलावा जो वोमेन थी वो अलग अलग जॉब्स भी कर सकती थी, एज अ किंग का एज ए पर्सनल बॉडीगार्ड भी वोमेन काम करती थी, एज अ स्पाई भी काम करती थी उस टाइम पे वोमेन। मतलब कि वोमेन अलग अलग जॉब्स करती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं मौर्यन आर्ट की। अनंत कुमार स्वामी ने जो मौर्यन आर्ट था उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक तो रॉयल और कोर्ट आर्ट है, दूसरा आता है फोक और पॉपुलर आर्ट। रॉयल और कोर्ट आर्ट में क्या आता है? इसमें आता है रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड अशोकन पिलर्स, केव्स, स्तूपास, ये सारे आते हैं कोर्ट आर्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस हो गया, पाटलिपुत्र सिटी में जितना भी आर्ट किया हुआ है, जो भी कुछ बना हुआ है वो रॉयल आर्ट में आता है। अशोका के पिलर्स हो गए, केव्स हो गए, स्तूपास हो गए, ये सारे रॉयल और कोर्ट आर्ट में आते हैं। और फोक एंड पॉपुलर आर्ट में क्या आता है? फोक और पॉपुलर आर्ट में आता है यक्षा और यक्षिणी के जो स्कल्पचर्स बनते थे, जो फिगर स्कल्पचर्स बनते थे, वो आते हैं फोक और पॉपुलर आर्ट में। फॉर एग्जाम्पल यक्षा ऑफ मथुरा, मथुरा का यक्षा होगा, यक्षिणी ऑफ एमपी, एमपी में जो यक्षिणी का स्कल्पचर है, ये है फोक आर्ट की एग्जाम्पल्स। सेकेंड इसमें आते हैं टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, जो टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स बनते थे वो भी फोक आर्ट के अंडर ही आएंगे। थर्ड आते हैं इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका। अशोका के टाइम पे जो स्टोन पे इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी वो आती है फोक आर्ट में। तो मौर्य इंट्रोड्यूस्ड स्टोन मैसनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका। अशोका के टाइम पे मौर्य ने स्टोन मैसनरी इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब कि उस टाइम पे स्टोन के घर भी बनाए जाने लगे थे मौर्य के टाइम पे। जब अशोका का टाइम पीरियड आया था उस टाइम पे स्टोन के घर बनाने शुरू कर दिए थे इन्होंने। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स एंड वुडन फ्लोर्स हो गए। स्टोन पिलर्स बड़े बड़े जो बनते थे, वुडन फ्लोर्स, सीलिंग्स, इन सब से क्या पता चलता है कि जो 80 पिलर का हॉल बना हुआ है ना पटना पे, वो इसी टाइम पीरियड का बना हुआ है। और फाहीन ने जब ये सब चीज़ें देखी इंडिया में आकर, फाहीन आया था ना एक जो फॉरनर थे, तो उन्होंने इंडिया में आकर जब ये सब चीज़ें देखी तो उनको इतनी सुंदर लगी, उन्होंने बोला कि यहाँ के पैलेसेस वगैरह इतने सुंदर है, इतने एक्सीलेंट बनाए हुए हैं कि ये ऐसा लगता है कि ये गॉड की क्रिएशन है, ये किसी इंसान के बनाए हुए नहीं है। तो इतना अच्छा आर्ट होता था उस टाइम पे।
तो जो पिलर्स हैं वो मॉडर्न स्कल्पचर का एक मास्टरपीस शो करते हैं उस टाइम पे। हर पिलर के ऊपर जो एक पिलर बनते थे ना उस टाइम पे, तो हर एक पिलर एक सैंडस्टोन के सिंगल पीस का बनाया जाता था, एक ही सैंडस्टोन के पीस का एक पिलर बना देते थे। और ये वाले जो पिलर्स होते थे, अब जो कैपिटल्स वगैरह में पिलर्स बनाते थे, तो वहां पे वो क्या करते थे, किसी लायन का या बुल का एक स्कल्पचर बनाकर वो पिलर के ऊपर रख देते थे, पिलर के जो टॉप पे उसको ज्वाइन कर देते थे स्कल्पचर को। तो वहीं से बना है फोर लाइन कैपिटल सारनाथ की हो गई, तो उस पे भी पिलर के ऊपर इन्होंने स्कल्पचर रखा हुआ है। सांची हो गया, सांची वाले पिलर के ऊपर भी इन्होंने स्कल्पचर रखा हुआ है। और जो सारनाथ पे लाइन कैपिटल है ना सारनाथ की, तो उसको हमारे इंडिया में हमने अडॉप्ट किया था एज ए नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। कब अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा रामपुरवा और लौरिया नंदगढ़ में सिंगल लाइन कैपिटल है, रामपुरवा में सिंगल बुल कैपिटल भी है। दौली में अगर हम बात करें तो वहाँ पे कार्व्ड एलिफेंट का भी एक स्कल्पचर देखने को मिलता है। तो जो मॉडर्न आर्टिसंस थे, उन्होंने जब अपना आर्टिसंस का काम शुरू किया था, तो वो सबसे पहले क्या करते थे, वो सबसे पहले केव्स बनाते थे, रॉक्स को कट कर करके उसके बीच में बहुत बड़ी केव बना देते थे, और उन केव्स में रहते होते थे मॉन्क्स पहले पुराने ज़माने में। तो सबसे पहले वो केव्स बनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने स्कल्पचर का और काम करना भी वहाँ से सीख गए, और वो भी उन्होंने शुरू कर दिया। केव्स की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आती है बराबर केव्स जहानाबाद में, जो अशोका के टाइम पे बनी थी, नागार्जुनी केव्स गया में, जो दशरथ के टाइम पे बनी थी। और इसके अलावा जो स्तूपास बनाए जाते थे, स्तूपा भी बिल्ड किए जाते थे, तो स्तूपा पे बुद्धा के रेलिक्स को इंस्क्राइब किया गया है, बड़े बड़े स्तूपास बनाए गए हैं, और स्तूपा के अशोका की इंस्क्रिप्शंस भी है, बुद्धा की जो रेलिक्स है उनको भी इंस्क्राइब वहां पे किया गया है। जो मोस्ट फेमस स्तूपास है वो कौन कौन से हैं, वो है सांची स्तूपा हो गया और भैरूत स्तूपा हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता पीरियड। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।